तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है बैठक के बाद। उनका कहना है कि सरहदों के गांव पर पीएम मोदी का फोकस है, सहकारिता मंत्री की अगुवाई में कमेटी बनेगी, ऐसा कहना है अनुराग ठाकुर का। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाएगा, गाँव के विकास के लगातार कदम उठा रहे हैं, गाँव के विकास के लिए 4,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है, साथ ही गाँव की सड़कों पर 2500 करोड़ का खर्च होगा, गांव में रोजगार के नए अवसर देंगे, गांव में पलायन पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी, डेयरी गोदामों की स्थापना होगी, डेयरी कोऑपरेटिव को बढ़ावा देंगे। तो ऐसे कई बातें, महत्वपूर्ण बातें जो है वो अनुराग ठाकुर ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कृषि मछली पालन को बढ़ावा देंगे, 2,00,000 पंचायतों में PACS को मंजूरी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरहद के गांव पर पीएम मोदी का फोकस होगा।